नमस्कार, स्वागत है आपका स्वदेश खबर में और मैं हूं आपके साथ तृप्ति उपाध्याय। चलिए बाजार की बात करते हैं तो बाजार लगातार चौथे दिन गिरावट के साथ बंद हुआ। निफ्टी इंट्राडे में 22,000 के नीचे फिसला। बैंक निफ्टी 400 अंक गिरकर 47,100 के नीचे बंद हुआ। बाजार में दिन भर कैसा रहा एक्शन बता रहे मेरे सहयोगी अंश। अंश बताए। तो ओवरऑल आज का बाज़ार काफ़ी वॉलेटाइल रहा। पहले हमने देखा कि निफ्टी ने अच्छा अपमूव देके हरे निशान में आ गए थे, लेकिन मार्केट क्लोज होते होते हमने देखा कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग सेलिंग दिखी और कुछ 300 पॉइंट से ज़्यादा अंक से गिरता हुआ नज़र आया। निफ्टी ने जो 22,000 का जो साइकोलॉजिकल मार्क है उसके भी नीचे क्लोजिंग दी। ये चौथा सेशन है जब निफ्टी में लगातार हमें बिकवाली नज़र आई, लेकिन अगर इसका चार्ट देखा जाए तो जो 21,900 से लेकर 21,850 का लेवल है वो एक अच्छे सपोर्ट के तौर पे एक्ट कर सकता है। दूसरे इंपॉर्टेंट इंडिसेस की बात करें तो निफ्टी मिड कैप भी चौथे सेशन में इसकी बिकवाली नज़र आए। इसके टॉप लूजर्स IGL और ओब्रॉय रियल्टी नज़र आते हैं, जबकि स्मॉल कैप भी लाल निशान में बंद होते हुआ नज़र आया, जिसके टॉप लूजर्स MGL और CET है। सेक्टोरल इंडिसेस की बात करें तो ऑलमोस्ट सारे ही सेक्टोरल इंडिसेस हमें लाल निशान में बंद होते हुए नज़र आए, जिसमें कि निफ्टी FMCG टॉप सेक्टर लूजर था, जो कि 1% से भी ज़्यादा की गिरावट के साथ बंद होता हुआ नज़र आया। इसके टॉप लूजर्स दरअसल नेस्ले और ITC थे। निफ्टी बैंक भी चौथे सेशन में इसमें बिकवाली नज़र आए, जिसके टॉप लूजर्स एक्सिस बैंक और ICICI बैंक थे। दूसरे इंडिसेस की बात करें तो निफ्टी रियल्टी, निफ्टी मेटल और निफ्टी IT तीनों ही इंडेक्स में लाल निशान में बंद होते हुए नज़र आए और ये चौथा सेशन है जब हमें इसमें लगातार बिकवाली नज़र आई। तो ओवरऑल देखा जाए तो मार्केट काफ़ी बेयरिश बंद होता हुआ नज़र आया। और अब चलते हैं हमारे खास सेगमेंट पांच का पंच की तरफ। मेरे सहयोगी शरद दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं। शरद बताए आज कौन से वो पांच शेयर है जहां एक्शन देखने को मिला। जी बिल्कुल, आपका स्वागत है पांच का पंच में, जहां पे हम दिन के पांच अहम स्टॉक्स, स्मॉल कैप हो, मिड कैप हो, लार्ज कॉस हो, जहाँ पे एक्शन, न्यूज फ्लो, वॉल्यूम्स देखने मिलते हैं वो हम आपके लिए पिकअप करते हैं। सबसे पहला है स्मॉल कैप स्पेस से मैस्टेक। यहाँ पे जो है कंपनी जो है UK की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से एक बड़ा ऑर्डर आया है। ये IT का ऑर्डर है और ये फ्रेमवर्क के बारे में बात करें तो ऑलमोस्ट 1.2 बिलियन पाउंड्स की IT प्रोफेशनल सर्विस की फ्रेमवर्क है। तो इस टोटल फ्रेमवर्क के जो वैल्यू है उसमें एक पोर्शन जो है कंपनी को भी मिला है। जुबिलेंट फार्मोवा हमारा दूसरा स्टॉक रहेगा। यहाँ पे कंपनी को जो है VAI स्टेटस मिला है उनके रूरी प्लांट में, रूरकी के प्लांट जो आपके ओरल सॉलिड यूसेज फैसिलिटी है उसको लेके है। इसका मतलब सिंप्लीफाई करें तो ये है कि US में जो है वो अपनी एक्सपोर्ट कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट्स को और ज़्यादा, और जो ANDA अप्रूवल जो आने वाली थी वो अब आने लगेंगी कंपनी को। तो ब्रोकरेजेस ने भी एक थम्सअप दिया था और स्टॉक में एक अच्छी तेज़ी दिन के ट्रेड में देखने मिली थी। तीसरा स्टॉक रहेगा स्मॉल कैप से टार्क। यहाँ पे जो अपडेट आई है इनकी ऑपरेशनल अपडेट, उसके कारण कंपनी जो है अपर सर्किट पे था 5% आज चौथे तिमाही की अपडेट में देखा जाए तो 600% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जो है प्री सेल्स बढ़ा है और जो आंकड़ा आया है ये पूरे ओवरऑल सेल्स का वित्त साल 2024 के लिए वो 1600 करोड़ के ऊपर चला गया है। ये कंपनी जो है अनंत राज वाला प्रमोटेड कंपनीज है, इसलिए इसको भी फोकस में रखिएगा। टेलीकॉम स्टॉक्स पिछले 2 से 3 ट्रेडिंग सेशंस में यहाँ पे हलचल चल रही है। वोडाफोन आईडिया 18,000 करोड़ का FPO, जो कि देश का सबसे बड़ा FPO है, आज उसके FPO खुल गई है। उसका जो प्राइस बैंड है 10 से लेकर 11 रुपये तक का है और अब सब्सक्रिप्शन के नंबर धीरे धीरे आने लगे हैं। अगर बात करें बाकी दो स्टॉक्स ही, टेलकॉम स्टॉक्स ही, तो IFL ने जो है निकाला था इंपॉर्टेंट ब्रोकरेज नोट, जहां पे वोडाफोन आइडिया को अपग्रेड किया है। एड से पहले रिड्यूस था, टारगेट प्राइस बढ़ा के कर दिया है 14 रुपये प्रति शेयर। और वही अगर बात करें इंडस टावर्स का, क्योंकि इंडस टावर्स को भी बेनिफिट आएगा अगर फंड इन्फ्यूजन आता है वोडाफोन आइडिया में, तो जो डेट रीपेमेंट है वो जो है जल्दी हो जाएगा जो इंडस टावर्स को मिलना है, तो उसके कारण एक अपग्रेड आया है बाई का। और यहाँ पर टारगेट प्राइस भी बढ़ा दिया है, 208 से बढ़ा के 379 रुपीस पर शेयर कर दिया। वही भारतीय एयरटेल मेंटेन बाय रखा है, लेकिन टारगेट प्राइस भी बढ़ा है ऑलमोस्ट 1215 से लेके 1379 तक। और हमारी जो बातचीत चल रही है बाज़ार में, तो यहाँ पे बाज़ार एक्सपेक्ट कर रहा है कि इलेक्शंस के बाद ओवरऑल जो टेलको की जो हाइक है वो देखने में लगभग 20% से देखने मिल सकती है गवर्नमेंट से, तो ये एक पॉजिटिव थिंग ज़रूर है। और ये हाइक ऑफकोर्स कंपनी पास थ्रू कराएंगे और ये बढ़ाएंगे। और हमारा जो आखिरी स्टॉक है वो है आरती फार्मा लैग्स। हमारा जो स्पेशल सेगमेंट है खबर गर्म है सेगमेंट, वहाँ पे कम स्टॉक हमने चुना था। और इम्पोर्टेंटली HNI जो है यहाँ पे बाइंग देखने मिली है कुछ कुछ काउंटर्स में, और दो इम्पोर्टेंट ट्रिगर्स सामने आ रहे हैं। सबसे पहला जो CDMO बिजनेस है वहाँ पे डिमांड इंक्वायरीज देखने मिल रही है, और दूसरा बड़ा बात है कि जो कैफीन कंपनी जो है कैफीन बनाती है एज अ फिनिश्ड गुड्स। अब कैफीन के बारे में इसलिए कहूँगा क्योंकि कैफीन की जो प्राइसेज है
वो बढ़ गई है 900 रुपये प्रति केजी से बढ़ के लगभग 1100 से 1200 रुपये प्रति केजी हो गई। ये हमारे चैनल चेक सजेस्ट कर रहे हैं। और कैफीन इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि कैफीन जो है कोल्ड ड्रिंक्स में यूज़ होती है और कोल्ड ड्रिंक्स का डिमांड समर में भी बढ़े जा रहा है, तो इसके कारण जो है एक ट्रिगर ये भी बनता है। तो ये पांच अहम स्टॉक्स है जो आज दिन के ट्रेड में फोकस में थे और यही हमारे पाँच के पंच हैं। और अब बात कर लेते हैं नतीजों की। तो ऑटो दिग्गज कंपनी बजाज ऑटो ने अपने क्वार्टर फोर के नतीजे जारी कर दिए हैं। जैसा कि हमने बताया कि मुनाफा और आय में स्लाइटली हमको अनुमान से ज़्यादा देखने को मिला है, वहीं मार्जिन और एबिटा में थोड़ा सा दबाव दिखा है। तो हम मुनाफे की बात करें तो कंपनी का मुनाफा हम एक्सपेक्ट कर रहे थे 1869, लेकिन कंपनी का मुनाफा दर जो है 1936 रुपये। वहीं अगर आय की बात करें तो आय का अनुमान था 11182 करोड़ और कंपनी ने आय अपनी क्वार्टर फोर में दर्ज किए 11484 रुपये। अब बात कर लेते हैं वाईओवाई यानी कि सालाना बेसिस पर, तो कंपनी में 8904 करोड़ से बढ़कर 11484 करोड़ रुपये कंपनी की आय दर्ज हुई है। वहीं स्टैंड अलोन मुनाफा सालाना आधार पर 1432 करोड़ से बढ़कर 1936 करोड़ रुपए हुआ है। और इसके साथ ही बजाज ऑटो ने 80 रुपए प्रति शेयर डिविडेंड का ऐलान भी किया है। और अब बात चुनाव की करें तो चुनाव के बाद नई सरकार का फोकस अटके हुए प्रोजेक्ट में तेजी लाने पर होगा। इसके लिए क्या तैयारी है जानते हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी से। देखिए, सरकार चुनावों के बाद अंडर कंस्ट्रक्शन जो की इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं उनको समय पर पूरा किया जाए, जल्द से जल्द पूरा किया जाए, इसको लेकर नई रणनीति तैयार कर सकती है। जो जानकारी हमें मिल रही है उसके हिसाब से सभी मंत्रालयों को इस बात के निर्देश दिए गए हैं कि जो डिलेड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं, जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स हैं, उनकी समीक्षा की जाए और साथ ही साथ इस तरह के प्रोजेक्ट्स के जो रिवाइज कॉस्ट एस्टिमेट है वो तैयार किया जाए और साथ ही साथ जो कमीशनिंग की न्यू डेट है उसको भी तय किया जाए ताकि इन प्रोजेक्ट्स को एक तय समय के अंदर पूरा कर लिया जाए। मौसपी की रिपोर्ट पर अगर आप नज़र डालें तो करीब 391 ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज मिनिस्ट्री से संबंधित हैं जो कि डिलेड हैं। 101 ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं रेलवेज़ के, साथ ही साथ करीब करीब 82 ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं पेट्रोलियम मंत्रालय के, 30 ज़्यादा ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं पावर मिनिस्ट्री के जो कि जिनको कि समय पर पूरा करना मुश्किल नज़र आ रहा है, वो डिलेड प्रोजेक्ट्स हैं। लिहाजा इन सभी मंत्रालयों को निर्देश दिया गया है कि जो न्यू कमीशनिंग डेट है उसकी रूपरेखा जो है तैयार की जाए और साथ ही साथ जो एस्टिमेटेड कॉस्ट हो सकता है वो भी तैयार किया जाए। फरवरी तक 1902 जो प्रोजेक्ट्स हैं जिसकी मॉनिटरिंग हुई है उसमें 764 ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि डिलेड हैं, जिनको समय पर पूरा करना संभव नहीं है। इसके अलावा इसमें 43 ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनकी कॉस्टिंग 1000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा है, ये प्रोजेक्ट्स डिले चल रहे हैं। लिहाजा इन प्रोजेक्ट्स को समय पर पूरा किया जाए इसकी रणनीति तैयार की जा रही है। और अगर आप ओवरऑल ओरिजिनल कॉस्ट देखें इन 1900 प्रोजेक्ट्स की तो वो करीब करीब 27 लाख करोड़ रुपए के आसपास है, लेकिन जो एंटिसिपेटेड कॉस्ट हो सकता है कंप्लीशन के न्यू डेट के साथ वो करीब करीब 32 लाख करोड़ रुपए हो सकता है। लिहाजा जो कॉस्ट ओवररन है इन प्रोजेक्ट्स के ऊपर वो करीब 4,92,000 करोड़ रुपए के आसपास है। और अब मेडिक्लेम पॉलिसी लेने वालों से जुड़ी एक बड़ी खबर। अगर आप 5 साल तक लगातार अपनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रीमियम भरते हैं तो इंश्योरेंस कंपनी हेल्थ कंडीशन का हवाला देकर क्लेम को नकार नहीं सकेगी। क्या है ये पूरी खबर बता रहे हमारे सहयोगी अनुराग शाह। अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम लगातार 5 साल तक भर रहे हैं तो 5 साल के बाद इंश्योरेंस कंपनी आपका क्लेम रिजेक्ट नहीं कर सकती, ये कह कर के आपने जब पॉलिसी खरीदी थी तब जानकारी सही नहीं दी या फिर मिस रिप्रेजेंटेशन था, क्योंकि रेगुलेटर के द्वारा जो मॉरिटोरियम पीरियड है उसको 8 साल से घटा के 5 साल कर दिया है, यानी 5 साल के बाद इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम देना होगा। सिर्फ जो फ्रॉड की अगर कोई स्थिति आती है तो वहाँ कंपनी क्लेम को रिजेक्ट कर सकती है। इसके अलावा वेटिंग पीरियड जो होता है इंश्योरेंस ट्रीटमेंट के अंदर, इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर, उसे भी घटाकर कम किया गया है। 4 साल से घटा के वेटिंग पीरियड को 3 साल किया गया है, यानी जो प्री एग्जिस्टिंग बीमारियाँ हैं आप पॉलिसी लेने के वक्त बताते हैं तो मैक्सिमम 3 साल
तक ही आपको उस बीमारी से जुड़ा हुआ क्लेम नहीं दिया जा सकता, 3 साल के बाद इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम देना होगा। इसके अलावा प्रोडक्ट डिज़ाइन के अंदर भी रेगुलेटर के द्वारा कंप्लीट फ्रीडम देने की बात की गई है, जिसमें अब आपको 65 साल से ज़्यादा के जो सीनियर सिटीजन हैं उनसे जुड़ी हुई हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी मिल पाएगी। इसके अलावा महिलाओं से जुड़ी हुई प्रोडक्ट जो है वो इंश्योरेंस कंपनियाँ लॉन्च कर पाएगी, बच्चों से जुड़े हुए प्रोडक्ट जो है वो भी इंश्योरेंस कंपनियाँ लॉन्च कर पाएगी। तो इन तमाम चीज़ों का कुछ असर भी होगा, जिसमें इंश्योरेंस कंपनियों का मानना है कि प्रीमियम थोड़ा बढ़ सकता है क्योंकि कवरेज का दायरा बढ़ेगा, क्लेम की राशि भी बढ़ेगी, इसलिए हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम पे भी इसका असर आ सकता है। बढ़ते हैं आगे। ईटी नाउ स्वदेश को सूत्रों के हवाले से एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है कि एमएमआरडीए रिलायंस इंफ्रा से मुंबई मेट्रो 1 में 74% हिस्सेदारी हासिल करेगी। क्या है ये पूरी खबर बता रहे हैं मेरे सहयोगी अनुराग जोशी। एमएमआरडीए जो कि एक राज्य संचालित शहरी विकास संस्था है, उसने मुंबई मेट्रो 1 में 74% भागीदारी रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर से खरीदने की तैयारी शुरू कर दी है। अभी मुंबई मेट्रो 1 जो कि मुंबई में जो कि घाटकोपर और वर्सोवा के बीच में जो मेट्रो लाइन है वह चलाती है, उसमें उसकी 26% भागीदारी है। और ये भागीदारी खरीदने के बाद एमएमआरडीए की मुंबई मेट्रो 1 में पूरा नियंत्रण हो जाएगा। अभी इस भागीदारी को खरीदने की जो मूल्य है वह 4,700 करोड़ आका जा रहा है। और ये जो मेट्रो लाइन है ये मुंबई की सबसे पहली मेट्रो लाइन थी जो कि 2014 में इसकी शुरुआत हुई थी और सबसे बिजी भी है। और अभी हाल ही में अप्रैल 15 को रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर ने एक्सचेंजों को ये बताया था कि उसके खिलाफ जो इंसॉल्वेंसी पेटिशन्स हैं वह एनसीएलटी मुंबई बेंच ने खारिज कर दिए हैं। यह इसीलिए हुआ है क्योंकि रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर की जो बैंक हैं उनके साथ एक वन टाइम डेट सेटलमेंट हो चुकी है और ये बैंकों में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और आईडीबीआई बैंक भी शामिल है। इससे एक अड़चन जो इस डील में उभर के सामने आई थी वह निकल गई है। और अभी पिछले ही महीने महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने इस निर्णय को स्वीकृति दे दी थी। और आईटी दच कंपनी इंफोसिस ने भी अपने क्वार्टर 4 के नतीजों का ऐलान कर दिया है। चलिए ज्यादा जानकारी और रिजल्ट समझते हैं मेरी सहयोगी अनीशा से। जी हाँ, इन्फोसिस के नतीजों की बात करें तो काफ़ी वीक नंबर आए हैं। इन्फोसिस के टॉप लाइन में 2.2% का कॉन्स्टेंट करेंसी डिक्लाइन आ रहा है वर्सेस आर एक्सपेक्टेशन ऑफ जस्ट 0.4% डिक्लाइन। सो बहुत बड़ा मिस है टॉप लाइन में। इसका इम्पैक्ट मार्जिन पे भी आ रहा है क्योंकि मार्जिन 20.1% आया है जबकि हम 20.7% मान के चल रहे थे। प्रॉफिटेबिलिटी ऑप्टिकली हायर लग रहा है हमारी एक्सपेक्टेशन से, बट याद रखिए वहाँ पे अदर इनकम का बहुत बड़ा एलिमेंट है। अदर इनकम में बड़ा जंप आया है ईयर ऑन ईयर ऑन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, इसीलिए प्रॉफिटेबिलिटी बेहतर दिख रही है। क्योंकि अगर अदर इंटरनल्स की बात करें, चाहे डॉलर रेवेन्यू रुपी रेवेन्यू, ये सब वीकर है एक्सपेक्टेशन से। बात यहीं ख़त्म नहीं होती है, जो FY25 का गाइडेंस है वो भी काफ़ी वीक है। स्ट्रीट मान के चल रहा था 3-6% तक का FY25 ग्रोथ गाइडेंस आएगा या एटलीस्ट 2-5% आएगा। एक्चुअल ग्रोथ गाइडेंस FY25 का उन्होंने 1-3% दिया है जो कि अपर एंड ऑफ रेंज से काफ़ी बड़ा मिस है। तो काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट रहेगा इन्फोसिस के नंबर को चलते हुए। मार्जिन गाइडेंस की भी बात करें तो इतना कुछ इंथ्यूजिंग मार्जिन गाइडेंस नहीं है। वो 20-22% बात कर रहे हैं मार्जिन का, जो लास्ट ईयर भी उनका लार्जली बैंड था, तो काफ़ी डिफरेंट नहीं हुआ है वहाँ से। द ओनली सिल्वर लाइनिंग इन द नंबर इज द फैक्ट दैट डील पाइपलाइन काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा है। तो डील विन आया है $4.5 बिलियन का, जो कि एक ओनली सिल्वर लाइनिंग है। बट अगर ADR का रिएक्शन देखें वो ऑलरेडी नेगेटिव है, एंड गिवन द फैक्ट दैट Q4 अर्निंग्स वीक रहे हैं उसके चलते एम्प्लॉय हेडकाउंट भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे डिक्लाइन हुआ है। नॉर्थ अमेरिका में वीकनेस रही है, इसके चलते थोड़ा वीकनेस एक्सपेक्ट करेंगे इन्फोसिस से। और फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम नेस्ले पर बात करेंगे, तो हमसे जुड़े रहिए।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। और अब बात करते हैं नेस्ले की। तो भारत में नेस्ले के दो सबसे ज्यादा बिकने वाले बेबी फूड ब्रांडों में बड़ी मात्रा में एडेड शुगर या कहे अतिरिक्त चीनी मिली होने का खुलासा हुआ है। स्विट्जरलैंड की कंपनियों पर निगरानी रखने वाली वेबसाइट पब्लिक आई की जांच में पता चला है कि नेस्ले जब इन बेबी फूड प्रोडक्ट को ब्रिटेन, जर्मनी जैसे विकसित देशों में बेचता है तो उसमें चीनी नहीं होती है। पब्लिक आई की रिपोर्ट में बताया गया है कि नेस्ले कई देशों में बच्चों के दूध और सेरेलेक प्रोडक्ट में चीनी और शहद का इस्तेमाल करता है। ऐसा करना मोटापे और पुरानी बीमारियों को रोकने के मकसद से बनाए गए अंतर्राष्ट्रीय दिशा निर्देशों का उल्लंघन है। आज इसी मुद्दे पर हम खास चर्चा करेंगे। और सबसे पहले तो नेस्ले के बेबी फूड्स में ज्यादा चीनी का मामला जोर पकड़ता जा रहा है। नेस्ले ने बेबी फूड्स में चीनी की मात्रा को लेकर सफाई दी है, इसके बावजूद कंपनी के शेयरों में गिरावट जारी है। कंपनी ने क्या सफाई पेश की है बताने के लिए जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी समीर दीक्षित। जी समीर बताएं। नेस्ले पर गंभीर आरोप कि उसके बेबी फूड प्रोडक्ट जो कि एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिकन देशों में जो मार्केट किए जा रहे हैं, ऐसे फूड आइटम में ज़बरदस्ती शुगर मिलाया जा रहा है, एडेड शुगर उसकी मात्रा उसमें ज़्यादा है। जांच में यह बात भी सामने आई है कि अगर सेरेलेक जैसा जो प्रोडक्ट है उसमें 3 ग्राम शुगर मिलाया जा रहा है पर स्कूप, यानी कि 33 ग्राम के आसपास अगर एक स्कूप है तो उसमें तकरीबन 3 से 4 ग्राम तक शुगर का कंटेंट पाया गया है। इन आरोपों को लेकर के नेस्ले इंडिया ने सफाई पेश करी। नेस्ले इंडिया का कहना है कि एक तो उनका फोकस लगातार इस बात पर बना हुआ है कि वो एडेड शुगर की मात्रा को लगातार कम कर रहे हैं। पिछले 5 सालों में उन्होंने तकरीबन 30% ये रिडक्शन किया भी है। दूसरा उनका ये दावा है कि वो जितने भी लोकल नॉर्म्स हैं उनका पूरी तरीके से पालन करते हैं। जो कोडेक्स स्टैंडर्ड हैं जो कि WHO और FAO का मिलाकर के जो कोडेक्स स्टैंडर्ड है उसका भी वो पालन करते हैं। और ये बात भी नेस्ले इंडिया के दावे में कही गई है कि वो जो न्यूट्रिएंट वैल्यू हैं उसके हिसाब से उसको बरकरार रखते हैं और फूड आइटम में उसको इंश्योर करते हैं। ये तो बात रही सफाई की, लेकिन अब भारत सरकार भी इसमें एक्शन में नजर आ रही है। सूत्रों की माने तो फूड रेगुलेटर FSSAI की तरफ से हम इसमें बड़ा एक्शन होता हुआ देख सकते हैं। जो FSSAI की साइंटिफिक कमेटी है उसने इस पूरे मामले का संज्ञान लिया है। साइंटिफिक कमेटी नेस्ले केस को स्टडी करेगी, ये देखेगी कि कितना जो जांच में बात सामने आई है, जो आरोप लग रहे हैं वो कितने सही हैं और क्या कुछ एक्शन लेने की ज़रूरत है। तो भारत सरकार या फिर यूं कहें कि स्वास्थ्य मंत्रालय और फूड रेगुलेटर भी इसमें अब इस मामले में कूद गई है और वो अपने स्तर पे इस मामले को लेकर के जांच आगे बढ़ा रही है। लेकिन नेस्ले इंडिया जिसका भारत में ज़बरदस्त पकड़ है, फूड बड़ी फूड कंपनी है, अगर सिर्फ आंकड़ों के लिहाज से देखें तो साल 2022 में $250 मिलियन का कारोबार भारत में किया है। ऐसे में इस तरीके के गंभीर आरोप नेस्ले पर लगना ये साफ बता रहा है कि उनको अभी कई और सवालों के जवाब देने बाकी हैं। चलिए इसी के साथ इस चर्चा को और आगे बढ़ाते हैं और इसके लिए मेरे साथ जुड़ गए हैं मेरे दो हमारे साथ गेस्ट हैं, जहांगीर गई जो कंज्यूमर एक्टिविस्ट हैं और दूसरी हमारी गेस्ट है डॉक्टर शिवानी देसवाल जो कि नारायणा गुरुग्राम से जुड़ी है हमारे साथ। जहांगीर जी नमस्कार, मैं तृप्ति बात कर रही हूं आपसे। सर आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी आपकी आ रही है। नमस्कार, मैं रिप्लाई भी दिया। जी सर तो ये पूरा मामला जो अभी आपने सुना इस पर आपकी क्या राय है? पहले हमने मैगी पर ये बात सुनी थी, उसके बाद मिल्क प्रोडक्ट और अब तो इन्होंने बच्चों को भी नहीं छोड़ा है। आपकी क्या राय है इस पूरे मामले पर? शुगर जो है मिलावट रहती है, एडेड शुगर, वो अभी थोड़े टाइम पे गवर्नमेंट ने कैडबरीज को, मॉन्डेलिनास को बैन किया है बॉर्नविटा के प्रोडक्ट्स के लिए टू एडवर्टाइज इट एज अ हेल्थ ड्रिंक, बिकॉज जो शुगर रहती है वो हेल्थ का बेनिफिट नहीं देती है। इनफैक्ट वो टेस्ट बढ़ाते हैं, बच्चे को शुगर अडिक्ट बना देते हैं, उनका एनर्जी लेवल्स खाली बढ़ा के उनको हाइपर बना देते हैं। और एक्चुअली हकीकत में जो हम देखते हैं तो शुगर का नेगेटिव रिएक्शन होता है बच्चे पे, लेकिन पेरेंट्स के हर पेरेंट को अपना बच्चे को बेस्ट देने का है, तो वो हेल्थ प्रोडक्ट सुन के समझ के वो एक्चुअली जो डेंजरस प्रोडक्ट है वो बच्चे को देते हैं। तो इट इज़ हाई टाइम जैसे मॉन्डेलिनास का बॉर्नविटा को हेल्थ कैटेगरी में से निकाल दिया, ऐसे दूसरी कंपनी के भी सभी प्रोडक्ट जो बच्चे को टारगेट करती है वो भी हेल्थ प्रोडक्ट में नहीं क्लासिफाई कर सकते हैं।
ऐसा नियम लाने का बहुत जरूर है। मार्केटिंग करने का बंद करने का कोई जरूर नहीं है, ऐसे तो मिठाई भी मिलती है जिसमें बहुत शुगर है, तो मार्केटिंग नहीं, लेकिन जो क्लेम है वो क्लेम को जो सही क्लेम ने है वो मिस रिप्रेजेंटेशन है, वो क्लेम को बैन करने की बहुत जरूरत है। जी जी, तो मेरा अगला सवाल शिवानी जी आपसे होगा, तो मैं जानना चाहती हूँ कि जो पूरा मामला सामने आया है इसके बाद बच्चों में किस तरह की परेशानियां हो सकती है। देखिए आजकल बच्चों में अगर हम गाइडलाइंस के हिसाब से जाएं और जो रिसर्च कहती है वो कहते हैं कि हम लेस देन 2 इयर्स हमें बच्चों को कोई भी एडेड शुगर नहीं देनी चाहिए, और अगर बच्चे बड़े हैं तो उनकी परमिसेबल लिमिट है 25 ग्राम, विच इज ऑलमोस्ट लाइक 6 टीस्पून ऑफ शुगर इन अ डे। ये regulations I totally agree are very important because अब हमारी country में बच्चों में overweight की problem, बच्चों में fatty liver की problem, बच्चों में cavities की problem, dental problems, बच्चों में food addictive disorders, क्योंकि जब ये मीठा खाते हैं उनको मीठे से एकदम instant energy मिलती है तो वो compromise करते हैं अपने दूसरे nutrition पे, तो ये सारी problems rise कर रही हैं। तो no added sugar जो less than 2 years का हमारा एक concept है वो पक्का होना चाहिए। नेचुरल शुगर्स जैसे दूध में नॉर्मली लैक्टोज होता है, शुगर होती है, होल फ्रूट में जो नॉर्मल शुगर होती है वो बच्चों को डेफिनेटली अलाउड है और उनको हेल्दी है, लेकिन ये जो एडेड हिडन शुगर सोर्सेस जिनको हम कहते हैं, तो पेरेंट्स को बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो लेबल्स पढ़ें। बहुत बारी लेबल्स में हिडन शुगर्स होती हैं जो पेरेंट्स को अवेयर ही नहीं है, पढ़ें। अगर हम किसी भी अच्छी ब्रांड का हम कैन ले लें और उनका शुगर का ड्रिंक का उसमें कंटेंट देखें, यू विल बी शॉक्ड टू सी अराउंड 37 ग्राम्स ऑफ शुगर है एक 150 ml के कैन में। ऐसी जो हमारे डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एडेड शुगर्स हैं जिनके नाम भी नहीं पता, उनको कभी कॉर्न स्वीटनर्स कहते हैं, कभी ब्राउन शुगर कहते हैं, कभी मॉल्ट कहते हैं, कभी इन्वर्ट शुगर कहते हैं, कभी हनी डेक्सट्रोज कहते हैं, कभी यू नो हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप बोलते हैं। सो दीज आर ऑल एडेड शुगर सोर्सेज, सो वी पेरेंट्स मस्ट नीड टू अंडरस्टैंड कि ये हिडन सोर्सेज क्या हैं, और हमारे बच्चे को जो एकदम एक्सेस शुगर मिलता है इन ड्रिंक्स से, दिस इज हार्मफुल टू आवर चिल्ड्रन। वी शुड concentrate on giving our children whole fruits and natural sources of sugar rather than these added sugars, and it is leading to tomorrow is World Liver Day, and it is leading to even a high incidence and rising incidence of overweight and fatty liver in Indian children, and fructose is the major culprit. शिवानी जी और जहांगीर जी, इस शो में हमें समय देने के लिए धन्यवाद। क्षमा कीजिएगा, हमारे पास समय की थोड़ी कमी है, लेकिन चर्चा अच्छी रही। ईटी नाउ स्वदेश को समय देने के लिए धन्यवाद। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन ईटी नाउ स्वदेश पर खबरों का सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा।